हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग योर लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट टॉपिक इज ए रेशियो एनालिसिस। ओके, आपका ये सबसे फर्स्ट टॉपिक था प्रैक्टिकल में, मींस चैप्टर 3। इसको इंस्टीट्यूट बोलता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ प्लानिंग, लेकिन हम इसको बोलेंगे रेशियो। नाउ फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये आती है कि आप लोगों ने बोला कि सर आप थोड़ा शॉर्ट में इसको करा दीजिए बिकॉज वी नो द रेशियो, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत है फ्रेंड्स वो मैं आपको करा देता हूँ। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेशियो? रेशियो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। रेशियो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। रेशियो मीन्स इट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल का रिलेशनशिप को हम लोग रेशियो बोलते हैं। तीन तरह के रेशियो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला रहेगा आपका पी एंड एल अकाउंट रेशियो, दूसरा आपका रहेगा बैलेंस शीट रेशियो, और तीसरा आपका रहेगा मिक्स रेशियो। इसका मतलब इफ बोथ द फिगर, आपकी अगर दोनों फिगर हैं वो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ली जाएंगी तो उनको हम क्या बोलते हैं? पी एंड एल अकाउंट रेशियो। जैसे जीपी रेशियो आप लोगों ने सुना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स आपका क्या हो जाएगा? जीपी रेशियो। तो उसको क्या बोलेंगे? आपका पी एंड एल अकाउंट रेशियो। अगर आपका बैलेंस शीट रेशियो है, मीन्स बोथ द फिगर पिक्ड अप फ्रॉम बैलेंस शीट, अगर दोनों फिगर आपकी बैलेंस शीट से ली जाएंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट रेशियो। और थर्ड आपका रहेगा मिक्स रेशियो। इसका मतलब वन फिगर फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट एंड वन फिगर फ्रॉम बैलेंस शीट, वन फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट, वन फ्रॉम बैलेंस शीट, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मिक्स रेशियो। ये आपको तीन ध्यान रखना है। आप लोगों ने बोला कि सर बहुत ज़्यादा हमें डिटेल में मत कराइए, बट जहाँ जहाँ मेरी रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो रेशोज के पहले आपको ये फॉर्मूलाज ज़रूर देखने हैं। रेशोज आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज के लिए आपको मॉड्यूल में दे रखा है पेज नंबर 3.12, पेज नंबर 3.12 आपका 3.6, ये फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, 3.12 3.6। ओके, आप लोगों ने बोला कि सर हमको बहुत इजी लगता है ये टॉपिक, तो इसके लिए मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ मैं आपको बता देता हूँ। 3.1 पे आपको समरी ऑफ रेशोज दे रखा है, लिक्विडिटी रेशो है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो है, कवरेज रेशो है आपका, एक्टिविटी एफिशिएंसी रेशियो है आपका, और प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड रेशियो है आपका, देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट्स है आपका, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन। ये सब आपको बराबर से प्रिपेयर करना है, रेशियोज पढ़ना है आपको। रेशियोज अगर आपको पढ़ना है तो ये आपको पूरा बाय हार्ट होना चाहिए, 3.12 3.6, तो ही आपको रेशियो समझ में आएगा। अब उसके बेसिक क्या कैलकुलेशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन अगर आपने नहीं देख रखा है तो पहले ये वीडियो को आप रोक के रखिए और पहले आप ये रेशियोज के फॉर्मूलाज को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही आपको रेशियोज समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको ये अज्यूम मान के चल रहा हूँ कि आपको रेशियोज के फॉर्मूलाज बराबर से याद हैं। अब इसके अंदर डीकेसी आपको क्या हेल्प करेगा, मैं आपको क्या हेल्प करूंगा वो जरा आप देख लीजिए। मैं आपको दूंगा एक, जैसे कॉस्टिंग में मैं देता हूं या अदर टॉपिक्स में मैंने आपको जैसे फॉर्मेट दिया था, जैसे मैंने आपको ये फॉर्मेट दिया था वैसा की वैसा फॉर्मेट मैं अभी आपको दूंगा, और वो फॉर्मेट आपको बराबर से फॉलो करना है। ठीक है, अब आप आ जाइए फ्रेंड, सबसे पहले आप लीजिए दिस इज योर इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 3.7। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने ये मेरा 3.1 2 3.6 के सारे रेशियोज बाय हार्ट कर रखे, राइट, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इन ए मीटिंग, इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 3.7, इन ए मीटिंग हेल्ड एट सोलन टूवर्ड्स एंड 2019 एंड 20, द डायरेक्टर ऑफ HPCL लिमिटेड हैव टेकन ए डिसीजन टू डाइवर्सिफाई इट्स प्रेजेंट HPCL लिमिटेड सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम इट्स ओन वेयर हाउस। द कंपनी शुड डिवेंचर ऑन 1/4/2020 को कंपनी ने क्या इशू किया है? डिवेंचर इशू किया है एंड परचेज्ड फिक्स एसेट्स ऑन द सेम डे। द परचेज प्राइस हैव रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग द कंसर्न पीरियड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू। इनकम स्टेटमेंट है आपके पास, सेल्स हैं,
COGS है, GP आ जाएगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके, और आपको नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स है आपके पास, रिसीवेबल, कैश, स्टॉक, टोटल करंट एसेट्स, पेएबल, टोटल करंट लाइबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल, नेट एसेट्स, शेयर कैपिटल, रिजर्वेशन सरप्लस एंड डिवेंचर। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो फॉर द ईयर 2019 एंड 2020। आपको रेशियोज निकालने, मैंने आपको क्या बताया, कभी भी आपका अगर रेशियो का क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो फॉर्मेट ऑफ DKC, बराबर। तो कैसे हम ये फॉर्मेट को फॉलो करेंगे वो पहले आप जरा देख लीजिए फ्रेंड्स ना, पहले आपको ये फॉर्मेट पूरा फॉलो करना है, ये फॉर्मेट को आप जरा बराबर से देख लीजिए, ओके। क्योंकि एक बार ये फॉर्मेट अगर आपको समझ में आ गया तो आपका काम हो जाएगा, से या सुनो फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड ऑन नॉट, ओके। तो पहले आप जरा ये फॉर्मेट फॉलो कर लीजिए, फॉर्मेट को आप जरा एक बार देख लीजिए, कैसे आपको फॉर्मेट याद रखना है, इट मींस दिस इज, तो आपको क्या बार बार क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज योर नोट नंबर 1 सेल्स, आपको सेल्स दे रखा है 2019, 2020, 2020, 2021, ओके। व्हाट योर सेल्स, योर सेल्स इज रुपीस 3 lakhs and rupees 3 lakh 74. This you divide into your first आपका आएगा cost of goods sold and gross profit 19, 20, 2021, 19, 20, 2021, then आपका आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, एंड ये आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या इसको ऑपरेटिंग इनकम भी हम लोग बोल सकते हैं, बराबर। 19, 20, 2021, 19, 20, 2021, ओके। अब आप आ जाइए, सबसे पहले आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको दे रखा है रुपीस 2,36,000, रुपीस 2,98,000, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, इट मीन्स 64,64 and 76, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं 49,57, और आपको प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 and 19,000। दिस इज क्लियर ऑन नॉट फ्रेंड्स, आपको क्या दे रखा है, आपको सेल्स दे रखा है 2021 का है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 19, 20, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 19, 20, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका आ जाएगा 19, 20, 49, 57, 19, 20, आपका क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड ये फॉर्मेट में हमेशा आपको ऑल इन्फॉर्मेशन को अरेंज करना है, अगर आपने अरेंज कर लिया तो आपको कभी भी दिक्कत आएगी नहीं, आपको सारे इन्फॉर्मेशन को इसमें आपको अरेंज करना है, सही है सुनो, ऑलराइट ऑन। अब आपसे क्या पूछा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो फॉर द ईयर 2019 एंड 20
20 and 21। तो पहले आप रेशियो कैलकुलेट करना सीख लीजिए, बाद में अपन फिर डिटेल में जा सकते हैं। पहले आप रेशियो, और आई एम एज्यूमिंग कि आपको ये रेशियोज का सारे फॉर्मूलाज आते हैं, नहीं आते हैं तो मैंने आपको बताया पेज नंबर 3.1 से आप जरा उनको देख लीजिए। ओके, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स। सबसे पहले जैसे जोर आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो, इट मीन्स दिस इज स्टेटमेंट showing ratio analysis। मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको सारे रेशियो के फॉर्मूला आपने पेज नंबर 3 पे देख लिए, राइट। ये आपका सिचुएशन है 2019-20, 2020 and 21। ओके, पहला आपने को दे रखा है दिस इज योर जीपी रेशियो। जीपी रेशियो क्या होता है आपका, बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स आपका क्या रहेगा, जीपी रेशियो। ओके, सही है सुना। दूसरा आपने इसे क्या पूछा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, दिस इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल्स रेशियो, इट मींस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो आ जाएगा। वन बाई वन यू गो। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, अपने पास क्या दे रखा था, जीपी रेशियो। जीपी अपने को क्या दे रखा है, अपने को जीपी दे रखा था 64,000, इस पर देख लीजिए 64,000 and 76,000, और आपका सेल्स दे रखा था 3,74,000 × 100 देख लीजिए आप, आपको क्या दे रखा, 3,74,000, और ये आपका 64 and 76, 64, 76, 3,74, 64 डिवाइडेड बाय 3,00,000 × 100 इज 21.33%। All right, and this is your 76 divided by 374 × 100 is 20.3%. Okay, operating expenses देख लीजिए आप, what is the operating expense 49.57 to sales 3,00,374, it means operating expense is 49.57, sales 3,00,000 × 100 and sales 374 × 100, it means 49 divided by 3,00,000 × 100 is 16.33%. 16.33% and 57,000 divided by 374 × 100 is 15.24%। इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका चार्ट, आपका चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो चार्ट मैंने बनाया ना, अगर आप ये फॉर्मेट हमेशा आपको याद रखना है, सेल्स के दो पार्ट, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड इनटू ऑपरेटिंग एंड देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर उसके दो पार्ट हो जाएंगे इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, तो पूरा आपका इस तरह से आपको पूरा इंफॉर्मेशन
आपको इस तरह से अरेंज करना है ताकि आपको फटाक से कैलकुलेट हो जाए आपके रेशियोज। तो ये आपका दूसरा था, और अब आपका आता है तीसरा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। थर्ड आपका आता है, कंटिन्यू द सेम ना, थर्ड आपको क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इट मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका देखो चार्ट में, व्हाट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 15,000 and 19,000। नोट नंबर वन में आप देख लीजिए, आपको एकदम इजी लगेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स 3 लाख एंड 3,74,000 100 इंटू मीन्स 15 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100 इज 5%। 19 डिवाइडेड बाय 374 इंटू 100 इज 5.08%। ओके, फोर्थ आपको पूछा है फ्रेंड्स, फोर्थ आपको पूछा है कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो इट मींस सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट योर सेल्स इज बेसिक कैलकुलेशन अभी अपन सीख रहे हैं, 3 लाख एंड 3,74,000 डिवाइडेड बाई व्हाट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है देखो जरा, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,01,47,000। टोटल कैपिटल कितना एम्प्लॉयड है, 19-20 में आपको दे रखा है 75-25 1 लाख रुपीज, 75-42 30,000 इट मीन्स 1 लाख and that divided by 147, so this comes to 3 times and this comes to 2.54 times, it means 374 divided by 147 is 2.54 times। ये आपका फोर्थ हो गया। फिर आपका आता है फ्रेंड्स ये कंटिन्यू द सेम ना फ्रेंड्स, फिर आपका आता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दिस इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, स्टॉक टर्नओवर में अपन क्या करते थे, COGS डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। COGS आप चार्ट से ले लीजिए, इसके लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,36,000 2,98,000 डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक, दिस इज एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ओके, व्हाट इज योर ओपनिंग स्टॉक, इट मीन्स क्या दे रखा है, एज्यूम ओपनिंग स्टॉक 40,000 फॉर 1920 बराबर, एंड क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है, व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका क्या आएगा 50,000। ये आपका क्लोजिंग इसके लिए ओपनिंग बन जाएगा 60
plus what is the closing stock? Is 94 divided by 2. 60 plus 94 divided by 2 is 77 and 50. So yes or no? 50,000 and 77. It means 236 divided by 50 is 4.72298 divided by 77 is 3.87. सही है, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नो कन्फ्यूजन, आपका क्या हो गया दिस? लेकिन आपको जो चार्ट मैंने दिया है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसकी वजह से आपके फटाफट आंसर होते चले जाएंगे। अगर आपने ये फॉर्मेट में डाल दिया ना, व्हाट इज मैं आपको क्या हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ इसका करके ना, आपको जो हेल्प कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, आपको क्या फायदा होगा वो यहाँ होगा करके ना। सही है सर, ऑलराइट। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स नेक्स्ट, कमेंट्स वाला पार्ट अपन बाद में देखते हैं, पहले कैलकुलेशन पार्ट पे आप जरा बराबर से स्टॉक टर्नओवर, उसके बाद आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ। इट मींस नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट टू, नेट प्रॉफिट टू आपका नेट वर्थ। हाँ सही है सुनो, सही है सुनो, नेट प्रॉफिट टू, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, इट मींस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। ओके, नेट प्रॉफिट हम लोगों ने कितना निकाला, 15,000 एंड 19,000, वही चार्ट से लेना है, चार्ट नंबर वन। एंड नेटवर्थ तो अपन को दे ही रखा है, अपना बैलेंस शीट से देख लीजिए, 1,00,000 रुपीज़ है और 147 में से 30,000 डिवेंचर के निकल जाएंगे, ये 1,00,000 एंड 1,47,000 में से 30,000 निकल जाएंगे, इट मीन्स 117 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 15,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 100 इज 15%, 19,117 इंटू 100 इज 16.23%, 16.24%। ऑलराइट, नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ हो गया फ्रेंड्स। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ये आपका आ गया रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, इसको डेटर्स कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं, डेटर्स और रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। कितने का सेल है अपना, अपना सेल्स था 2-3 लैक्स, 3 लैक्स में से अपना क्रेडिट सेल्स कितना है वो जरा आप देख लीजिए, टोटल सेल्स 3 लैक्स है, उसमें से 2,70,000 का क्रेडिट सेल्स है अपना, बराबर, और यहाँ पे अपना क्रेडिट सेल्स है 3,42,000 का, x डिवाइडेड बाई आपका कितना है नंबर ऑफ डेज 365 इन ईयर, इक्वल टू आपका है, व्हाट इज द डेटर्स का फिगर, योर डेटर्स का फिगर इज, देखिए बैलेंस शीट में, और योर डेटर्स का फिगर 50,000 एंड डेटर्स का फिगर 82,000, इट मींस 50,000 into 365 divided by 2,70,000 will be
67.6 days और 82 × 365/342 = 87.5 days। ये आपका बेसिक कैलकुलेशन वाला सब मैंने आपको करा रखा है। डेटर्स कलेक्शन पीरियड मीन सेल्स आपका दे रखा है, ये सेल्स इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 365 इक्वल टू, ये आपका डेटर्स का अमाउंट निकल के है, ये आपका क्या निकल के आएगा बोलो, ये आपका रहेगा डेटर्स का अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा। सही है सुनो फ्रेंड्स, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछिए करके ना, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। बोलो यस और नो फ्रेंड्स। ओके एकदम क्लियर। अब इसी टाइप में आप देख लीजिए, जैसे जो एक आपको दे रखा है इलस्ट्रेशन 3 एंड आपका पेज नंबर 3.12, जो सीक्वेंस में आपको बोल रहा हूँ आप उसी सीक्वेंस में जाइए तो आपका काम एकदम इजीली वे में हो जाएगा। अरे मैंने फॉर्मेट आपको जो बताया ना, फॉर्मेट आपको वही फॉलो करना है बराबर। सेल्स, सेल्स डिवाइडेड टू आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड टू योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फिर डिवाइड करेंगे, वो आप फॉर्मेट जनाब देख लीजिए राइट। तो आपको एंड तक कहीं पे भी मिस्टेक होने का चांस नहीं है। ओके, एक्स कंपनी हैज मेड प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी एम्प्लॉय टोटल एसेट्स, इट मींस दिस इज गिवन, गिवन है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स ऑफ रुपीज 8 lakhs। एक्स कंपनी हैज मेड प्लान्स, एक्स कंपनी हैज मेड प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी विल एम्प्लॉय टोटल एसेट्स, कंपनी विल एम्प्लॉय टोटल एसेट्स, कंपनी विल एम्प्लॉय टोटल एसेट्स, एक्स कंपनी हैज मेड प्लान्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, इट इज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी विल एम्प्लॉय टोटल एसेट्स ऑफ 8 lakhs, 50% ऑफ द एसेट्स बींग फाइनेंस्ड बाई बोरोड कैपिटल एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ, इसका मतलब इसमें डेप्ट और आपका इक्विटी ओन फंड इज 50% ऑफ 8 lakhs, इट मीन्स 4 lakhs एंड 50% ऑफ 8 lakhs मीन्स 4 lakhs। वॉट इज द इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट 8%, इट मीन्स योर इंटरेस्ट अमाउंट विल बी 32,000, इंटरेस्ट अमाउंट विल बी 32,000 8%। द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड, द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर, द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर All right, friends. The direct cost for the year are estimated 4,80,000. Direct cost आपको दे रखा है, direct cost दे रखा है 4,80,000. And the direct cost of the year are estimated to 480 and all other operating expense आपको दे रखे हैं, operating expense आपको दे रखे हैं 80,000 rupees. Operating expense अपने को दे रखे हैं, the goods will be सोल्ड टू कस्टमर 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, इसका मतलब सेल्स आपका निकलेगा 4,80,000 × 150/100, इट मीन्स ये आपका आएगा 480 × 1.5 = 720। ऑल द गुड्स
will be sold to customer 150% of direct cost, tax rate is 50%. Tax rate है आपका से 50%. You are calculate operating profit margin before tax, net profit margin after tax, return on assets on operating profit after tax, fourth assets turnover and return on owners equity. Okay. अब पहले मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप इसको arrange करिए, आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व मत करिए, राइट? फर्स्ट यू अरेंज द क्वेश्चन एंड देन वी विल डिस्कस. ओके, फर्स्ट आप कैसे अरेंज करेंगे, देखो. पहला सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपने ये बना लिया ना, आपके सारे फटाफट हो जाएंगे कैलकुलेट. व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं. मैंने आपको फॉर्मूलाज नहीं सिखाए, वो आप बाय आउट कर लीजिए, राइट? मॉड्यूल में दे रखा है. मैं आपको सिखा रहा हूं प्रेजेंटेशन, कोई भी मिसिंग फिगर आप कैसे फटाक से निकालोगे. सेल्स डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अब आप आ जाइए सबसे पहले ना, आपको दे रखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको दे रखे 480,000. इट मींस आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मींस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस मींस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 480. ओके, और आपका गुड्स सोल्ड हो रहा है 150% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, 480 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 100, 480 इंटू 1.5 इज 720. ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो जाएगा 720 माइनस 480 is 240. सही है सोना फ्रेंड्स. अब आपको क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपके 80,000. इट मीन्स ऑपरेटिंग इनकम विल बी 240 माइनस 80. 240 माइनस 80 इज 160. इंटरेस्ट एक्सपेंस है आपका टोटल, आपको 4 लाख है, 4 लाख का 8%, मैंने बताया था ना आपको प्रीवियस में, इज 32. इट मींस 160 माइनस 32, 160 माइनस 32 इज 128, एंड 50% आपका, 50% ऑफ 128, 50% ऑफ 128 इज 64,000 आपका ये हो जाएगा, एंड 64 आपका. मतलब अगर आपका ये फॉर्मेट हो गया ना फ्रेंड्स, अगर आपका ये फॉर्मेट हो गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं एंड तक. फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है. रेशो के अंदर आपका क्या है ना, रेशो के अंदर है मेन आपका फॉर्मेट. ये फॉर्मेट पार्ट अगर आपका हो गया ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी. अब आप सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से पिकअप, आपको कोई भी वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं. दिस इज योर
नोट नंबर वन. सेल्स है, सेल्स से पहला सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सही है सो फ्रेंड्स, ये आपको परफेक्टली क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. अब अपने से क्या क्या पूछ रहा है पहला वो आप देख लीजिए. पहला अपने से पूछ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स कितना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका है 1,60,000. इट मीन्स दिस इज योर आंसर नंबर वन. ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? योर ऑपरेटिंग इनकम इज, ऑपरेटिंग इनकम आपको दे रखा है बिफोर टैक्स. तो एक आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है और एक आपका है प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दे रखा है 160 और 160 में से अगर आप 32 माइनस कर दोगे क्या इंटरेस्ट, इट मींस 160 माइनस 32 इज 128. आगे क्या पूछ रहे फ्रेंड्स आपने? नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स. तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स हमारा क्या था? नेट 64,000 आफ्टर टैक्स 64 है. ओके, परसेंटेज में निकालना है तो 64 डिवाइडेड बाय आप सेल्स भी कर सकते हो. व्हाट इज योर सेल्स? 720. ओके, सो 64 डिवाइडेड बाय 720 इनटू 100 विल बी 8.9%. 8.9%, राइट. फिर उसके बाद आपने क्या, रिटर्न ऑन एसेट्स. दिस इज रिटर्न ऑन एसेट्स, इट मींस योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एसेट्स. ओके, अच्छा कभी कभी ये लोग इंटरेस्ट पार्ट को कंसीडर नहीं करते और सीधा भी ले लेते हैं, राइट. तो अपन तो वही लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इट मींस 128 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एसेट्स एम्प्लॉयड, 8 lakhs इनटू 100. ओके, सो 128 डिवाइडेड बाय 8 lakhs इनटू 100 एंड दिस कम्स टू 16%. कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्ट को कंसिडर ही नहीं करते, डायरेक्टली अपन टैक्स पे कर देते. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर आपने डायरेक्टली टैक्स पे किया तो 160 इनटू 50%, इट मींस 80,000 डिवाइडेड बाय 720 इनटू 100, इट मींस 80,720 इनटू 100 इज 11.11%. और इसका भी यही आ जाएगा, इट मींस आपका 80,000 डिवाइडेड बाय 8 lakhs इनटू 100 इज 10%. मैं ये लोग इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करते, डायरेक्टली ये अमाउंट पे ही टैक्स पे कर देते हैं. सही है सो फ्रेंड्स. ओके, फिर आ जाइए आप, नेक्स्ट आपको दे रखा है
रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग हो गया फोर्थ, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इट मींस एसेट्स टर्नओवर रेशियो मींस सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स. और योर सेल्स, सेल्स आपका दे रखा है 720 और एसेट्स आपका एम्प्लॉयड है 8 lakhs. इट मींस दिस कम्स टू 0.9, मींस आपका जो सेल्स है दैट इज 0.9 टाइम्स ऑफ योर एसेट्स. मींस आपका सेल्स हो रहा है कितना, 720, एसेट्स एम्प्लॉयड है 8 lakhs, इट मींस 0.9 टाइम. देन अपने से क्या पूछा, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, इट मींस दिस इज योर returns on owners equity will be your profit after tax divided by equity into 100. What is the profit after tax? वो अपन ने निकाला था 64, निकाला था ना, देखो चार्ट में ये निकाला है 64 divided by 4 lakh, बिकॉज 8 lakh का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसमें से 50% डेप्ट है. इट मीन्स 64 डिवाइडेड बाई 4 lakhs इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 16%. सही है, सुनो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये पार्ट है. इज दिस क्लियर ऑन ऑन, आप बताइए फ्रेंड्स प्रॉपरली आपको समझ में आ रहा है क्या. फॉर्मेट आपको यही रखना है, मेन आपका है फॉर्मेट. और फॉर्मेट आपको क्या करना है, फॉर्मेट आपको इसी तरह से रखना है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट. फॉर्मेट आप सेम रखिए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बराबर. आपको बहुत अच्छा एक क्वेश्चन कराता हूँ एंड दिस इज योर, बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ एंड दिस इज योर इलस्ट्रेशन टू and your illustration to page number 3.9. illustration 2, following is the average balance sheet of Alpha Limited. ये Alpha Limited से related question है. following is the balance sheet Alpha Limited, share capital 1 lakh, profit and loss, current liabilities, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट, लेस डेप्रिसिएशन, स्टॉक रिसीवेबल, बैंक एंड टोटल. विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्निश बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31/3/21 का आपको बनाना है. 31/3/21 द कंपनी वेंट इन टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विद द शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम. शेयर कैपिटल बोला है सेम, शेयर कैपिटल आपका क्या बोल रहा है, इट इज सेम. द कंपनी वेंट इन टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विद द शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम. डिवेंचर वर इशूड 1st अप्रैल, इंटरेस्ट बींग पेड एनुअली ऑन 31st मार्च. अब शेयर कैपिटल में क्या बोल रहा है, 50% शेयर कैपिटल रहेगा, 15% आपका अदर शेयर होल्डर फंड, 5% आपका डिवेंचर रहेगा, देन करेंट लाइबिलिटीज आपकी 25%, ठीक है. लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज्ड, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन बॉट एंड फर्दर 5000 डेप्रिसिएशन वॉज रिटन ऑफ. टोटल फिक्स एसेट्स 60% ऑफ द टोटल फिक्स एसेट्स एंड करेंट, ओके. वर्किंग कैपिटल 8:5, क्विक एसेट्स 1:1, रिसिवेबल 4/5 ऑफ द क्विक एसेट्स, इट मीन्स डेटर्स टू सेल्स रेशियो रिवील्ड ए क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months. There were no cash sales. Return on net worth 10%. Gross profit was 15% selling price. Stock turnover. Ignore taxation. आपको P&L account बनाना है और ये बनाना है. अब देखो वन बाई वन, पहले हमेशा वर्किंग नोट बना लेने का, राइट. तो क्या है, स्टेप मार्किंग रहती है. अगर आपका फाइनल आंसर रॉन्ग भी हुआ तो भी आपको काफ़ी स्टेप्स के ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे. सही है सोनो फ्रेंड्स, ओके. सो दिस इज योर फर्स्ट नोट नंबर 1.
क्या बोल रहा है, द कंपनी वेंट इंटू रीऑर्गेनाइजेशन, कंपनी वेंट इंटू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर विद द शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम. इसका मतलब शेयर कैपिटल आपका है ₹1 लाख बराबर, और ये 50% है आपका. इसका मतलब जब आपका टोटल स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 2 लाख. सही है सोना फ्रेंड्स. तो आपका टोटल स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 2 लाख. एंड 2 लाख में से आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट शेयर कैपिटल है, सेकंड अदर शेयर होल्डर फंड्स है 5%, डिवेंचर है और आपका करंट लायबिलिटीज. ये 50%, ये 15%, ये 10% और ये 25%. 2 lakhs, it means 1 lakh. 2 lakhs, it means 30,000. 2 lakhs, it means 20,000. And 2 lakhs, it means 50,000. सही है सुनो, आपका शेयर कैपिटल 1 लाख विच इज गिवन ऑल्सो राइट, देन वही 50% रहने वाला है ना. तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपीज. ठीक है, देन 30,000 आपका आ जाएगा, देन 20,000 आपका आ जाएगा, देन इसका मतलब 2 लाख अगर आपका सोर्स है तो 2 लाख ही आपका एसेट्स रहेगा. सही है सर, 2 लाख अगर आपका सोर्स है तो 2 लाख रुपीज ही आपका क्या होगा. ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, टोटल 1 लाख और ये बोल रहा है कि 50% शेयर कैपिटल रहना चाहिए. इसका मतलब टोटल रिसोर्स का वैल्यू कितना होगा, टोटल जो लायबिलिटी साइड का जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलो. लायबिलिटी साइड का आपका जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 2 लाख. इट मीन्स 2 लाख का 50% इज 1 लाख. अदर शेयर होल्डर फंड 15% ऑफ 2 लाख इज 30,000. 5% इज ए डिवेंचर, 10% इज 20,000. करेंट लाइबिलिटीज 25% ऑफ 2 लाख इज 50,000. यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो. परफेक्टली क्लियर. अच्छा, अब आप आजिए. अगर ये है तो 2 लाख, अगर ये है तो आपका एसेट्स का टोटल भी क्या रहेगा, दिस इज योर एसेट्स एंड एसेट्स का टोटल इज 2 लाख. अब एसेट्स के बारे में क्या बोल रहा है, आ जाइए. अब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, डिवेंचर विल बी इशूड 1 अप्रैल, इंटरेस्ट बीइंग पेड एनुअली ऑन 31st मार्च. ठीक है, नो प्रॉब्लम. लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज. लैंड एंड बिल्डिंग आपका क्या रहेगा, सेम. लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आपका क्या रहेगा, सेम इज 80,000. वो क्या बोल रहा है, इट इज सेम. लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज्ड. एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन बॉट एंड फर्दर 5,000 डेप्रिसिएशन रिटन ऑफ. द टोटल फिक्स एसेट्स देन कॉन्स्टिट्यूटेड 60% ऑफ द टोटल फिक्स एसेट्स एंड करेंट एसेट्स. ओके, टोटल फिक्स एसेट्स. अब फिक्स एसेट्स में अपने पास क्या क्या है, फिक्स एसेट्स में एक तो अपना लैंड हो गया और दूसरा अपने पास है प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी और ये दोनों मिलके हैं 60% ऑफ 2 लाख. इट मींस 120. 60% ऑफ 2 लाख इट मींस 120. अगर ये 120 है, इसका मतलब ये आपका क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर ऑफ
40,000. जितना अपना लायबिलिटी है उतना ही अपना एसेट्स रहेगा, जितना अपना लायबिलिटीज है उतना अपना एसेट्स रहेगा, अपने टोटल एसेट्स उसमें से बोल रहा है, टोटल एसेट्स में से फिक्स एसेट्स रहेगा 60%. उसने बोला ना क्वेश्चन में, देखो जरा, लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज्ड, वो कोई चेंज नहीं है, जो पहले से था उतना ही सेम रहेगा. लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन बॉट एंड फर्दर 5,000 डेप्रिसिएशन वॉज रिटेन ऑफ. द टोटल फिक्स एसेट्स देन कॉन्स्टिट्यूटेड 60% ऑफ द टोटल फिक्स एसेट्स एंड करेंट एसेट्स. टोटल फिक्स एसेट का ये एसेट्स का मतलब होता है टोटल, ये आपका टोटल फिक्स एसेट्स है और टोटल करेंट एसेट्स है. टोटल फिक्स एसेट्स एंड करेंट एसेट्स का फिक्स एसेट्स में वैल्यू जाएगा 60%. इसका मतलब करेंट एसेट्स में वैल्यू जाएगा 40% ऑफ रुपीज 2 lakhs एंड दिस कम्स टू रुपीज 80,000. ये आपका कहाँ चला जाएगा, इसे 80,000 आपका करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स आपका कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स, करेंट एसेट्स आपका रहेगा 80,000. ओके, करेंट एसेट्स इंक्लूड्स आपका स्टॉक, डेटर्स एंड कैश. स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, ये आपका टोटल. टोटल एसेट्स आपका है 2 lakhs. 2 lakhs में से बोला है फिक्स एसेट्स रहेगा 60%. इसका मतलब आपका करेंट एसेट्स कितना रहेगा, 40%. 40% ऑफ 2 lakhs मीन्स स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, ये आपका रहेगा. अब आगे क्या बोल रहा है, वर्किंग कैपिटल इज 8:5. इसका मतलब आपका वर्किंग कैपिटल रेशो इज 8:5. इट मीन्स वर्किंग कैपिटल आपका, वर्किंग कैपिटल रेशो इज 8:5. वर्किंग कैपिटल रेशो क्या होता है आपका, वर्किंग कैपिटल रेशो 8:5. इट मीन्स दिस इज योर करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज. ओके, करेंट एसेट्स आपको क्या दे रखा है, अब देखो आप करेंट एसेट्स आपको क्या दे रखा है, करेंट एसेट्स आपको दे रखा है 80,000. 40% ऑफ 2 lakhs ना, तो आपका, और ये 8:5 है, इसका मतलब आपका करेंट लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा, 50,000. सही आसान हो फ्रेंड्स, आपका जो करेंट लाइबिलिटीज है वो क्या निकल के आएगा, करेंट लाइबिलिटीज आपका निकल के आएगा यस. ओके, अब आप आ जाइए आगे, वो अपने को बोला क्विक एसेट्स रेशो. ये क्या होता है, क्विक एसेट्स रेशो, क्विक एसेट्स रेशो. इट मीन्स क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज. करेंट लाइबिलिटीज 50,000, क्विक एसेट्स होता है करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस एक्स. सही है सर, क्विक एसेट्स आपको दे रखा है, क्विक एसेट्स आपको दे रखा है, क्विक एसेट्स आपको दे रखा है 1:1 का रेशो. क्वेश्चन में दे रखा है आपको क्विक एसेट्स रेशो 1:1. क्विक एसेट्स क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटीज. करेंट लाइबिलिटीज आपको 50,000 दे रखा है, क्विक एसेट्स, इसका मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आपको आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 30,000. ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक का वैल्यू. इट मीन्स 30,000 आपका क्या हो जाएगा, इज ए स्टॉक. ये आपको क्लियर हुआ, सही है सोनो फ्रेंड्स. देन ये आपका हो गया द रिसीवेबल 4/5 ऑफ द क्विक एसेट्स. इट मीन्स आपका क्विक एसेट्स कितना था, 80,000 में से आपका 30,000 निकल गया ना आपका, ये आपका था करेंट एसेट्स इज 80,000 में से
आपका क्विक एसेट्स एंड स्टॉक, स्टॉक को माइनस कर देंगे 30,000, हमारा क्या आएगा 50,000। अब ये क्या बोल रहा है, द रिसीवेबल 4/5 ऑफ द क्विक एसेट्स, इट मीन्स 4/5, इट मीन्स आपका डेटर्स का अमाउंट हो जाएगा ये डेटर्स का। सही है सर, टोटल आपका जो करेंट एसेट्स है, टोटल आपका करेंट एसेट्स 80,000, 80 में से आपका स्टॉक कितना हो जाएगा 30, क्विक एसेट्स आपका कितना हुआ 4/5 ऑफ डेटर्स, इट मीन्स अगर आपका ये डेटर्स है, यहाँ पे आपका आ जाएगा डेटर्स इज 40,000 एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी योर कैश इज 10,000। आपका डेटर्स क्या हो जाएगा, सही है सर, परफेक्टली क्लियर हो। ओके, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, आपको डेटर्स का अमाउंट दे रखा है राइट। हम लोग डेटर्स कैसे निकालते हैं, सेल्स इनटू क्रेडिट, क्रेडिट पीरियड, ये हमारा क्या हो जाएगा डेटर्स, हमारा डेटर्स हमें दे रखा है, डेटर्स हमें दे रखा है 40,000, हम लोगों ने कैलकुलेट किया डेटर्स, डेटर्स कितना कैलकुलेट किया 40,000 एंड वी आर गिविंग डेटर्स को 2 मंथ्स का क्रेडिट, इसका मतलब क्रेडिट इज 2 मंथ्स, इट मींस सेल्स कैसे निकालेंगे, सेल्स 2/12 इक्वल टू 40,000। सही है सुना, 2 मंथ्स का हमारा क्रेडिट है, इट मीन्स 40,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2, आपका सेल्स आ जाएगा, आपका सेल्स हो जाएगा रुपीज 2,40,000। सही है सुना, क्रेडिट पीरियड अपन को दे रखा है, सेल्स हमारे पास नहीं है, सेल्स हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया, क्रेडिट पीरियड है 2/12, 2 मंथ्स का है एंड टोटल ये आ रहा है, तो डायरेक्टली भी अपन कर सकते हैं 2 मंथ्स इतना, तो ये 2,40,000। अब आप आ जाइए, मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, ऑलवेज यू टेक सेल्स, सेल्स डिवाइड इन टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड इनटू ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग इनकम इंटरेस्ट एंड अर्निंग बिफोर टैक्स। सेल्स हम लोगों ने निकाला था 2,40,000, सही है सो नो फ्रेंड्स, सेल्स हमारा आ रहा है 2,40,000, सही है सो नो फ्रेंड्स, और योर सेल्स, सेल्स जीपी 15% ऑफ 240 का 15% 36, इट मीन्स 85% ऑफ 240 इंटू 0.85 इज 204 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, अपने को बोल रहे हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेटवर्थ हमारा क्या है, नेटवर्थ से हमारा 1,00,000 रुपीज। ओके, 1,00,000 तो हमारा ये हो गया, नेटवर्थ हम लोगों ने निकाला था ना, ये नेटवर्थ हमारा क्या हो जाएगा, नेटवर्थ हमारा रहेगा
1,30,000, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेटवर्थ, नेटवर्थ है 1,30,000. इट मीन्स 130 के ऊपर क्या बोल रहे हैं, 10% प्रॉफिट है, इस 13,000, ओके. एंड इंटरेस्ट अमाउंट आपका क्या आएगा, डिवेंचर थे ना 20,000 के, 20 का 5% इज 1,000, 1 + 13 इज 14,000, एंड दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर. इट मीन्स 36 - 14 इज 22,000. सही है सोनो, ये आपका सेल्स, सेल्स तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही था, ठीक है. जीपीएफ डायरेक्टली दे रखा है 240 का 15%, 85% आपका ये हो जाएगा, ओके. तो अब आपको, आपके पास आगे बढ़ने को नहीं है. ऑपरेटिंग जीपी को हम दो में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम, बराबर. ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग फिर दो में डिवाइड करते हैं, इंटरेस्ट एंड अर्निंग बिफोर टैक्स. अर्निंग बिफोर टैक्स क्या बोल रहा है, 10% ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ. नेटवर्थ मीन्स ये आपका हमारा, ये हमारा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. 130 है, 130 का 10% 13,000 हो गया, 13 एंड 1,000 इंटरेस्ट 14, ये आपका बैलेंसिंग फिगर वापस से आ गया. सही है सोनू, ये हमारा क्या आ जाएगा, इज ए बैलेंसिंग फिगर. सही है सोनू, आ जाइए बैलेंस शीट एंड पी एंड एल अकाउंट बना लेते हैं अपन. इट मीन्स दिस इज योर प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस account for the year ended 31st 3, 2021 by sales to COGS to GP by gross profit GP to interest on debenture to admin and other expense to नेट प्रॉफिट. सही है सुनो, ले लीजिए आप यहाँ से, सेल्स अपन को 240 दे रखा है, जीपी 36, 240, 36 दे रखा है. ये चार्ट का इसके लिए बहुत फायदा रहेगा फ्रेंड्स आपको, इस 240, 36 इंटरेस्ट 1,000, एनपी हमारा, नेट प्रॉफिट हमारा कितना था 13,000, ये निकाला ना यहाँ से 13,000, ये 13,000, ये बैलेंसिंग फिगर अपना हो जाएगा इस, इट मीन्स 36 - 1 - 13 इस 22,000. सही है सुना, परफेक्टली क्लियर हो रहा है आपको, बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस. सेल्स अपन को डायरेक्टली दे ही रखा है, बाय सेल्स, ठीक है, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू जीपी, ये आपका आ जाएगा, बाय जीपी टू इंटरेस्ट एंड टू एडमिन एंड टू नेट प्रॉफिट, ये आपका आ जाएगा. अब आप आ जाइए नेक्स्ट, इज ए प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट. Projected b-
balance sheet, projected balance sheet 31st 3 2021. Liabilities, assets rupees, share capital, profit and loss account, 5% debenture and current liabilities. Current liabilities 50 अपन ने निकाल लिया था, debenture अपना 20,000 है ही, ये प्रॉफिट में 17 अपना ओल्ड था और इस बार हमने 13 कमाया, तो क्या हो जाएगा, इज 30,000, शेयर कैपिटल 1 लाख, ठीक है, फिक्स एसेट्स 80,000 अपने को दे ही रखा है, प्लांट एंड मशीनरी ओके, लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लास्ट टाइम कितना था देखो जरा, आपको क्या दे रखा था डेप्रिसिएशन लास्ट टाइम 15 और इस टाइम का डेप्रिसिएशन 5, मिलके हो गया 20, सही है सुनो फ्रेंड्स, फिक्स एसेट्स हमारा था 80,000 का लैंड एंड बिल्डिंग एंड 40,000 ये, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये 60,000, तभी तो ये आएगा 40, करेंट एसेट्स निकालाई थी अपन ने, स्टॉक 30, देन डेटर्स 40 एंड बैंक आपका 10, 80,000 एंड ये बैलेंस शीट आपका। मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है कि समझने की जरूरत है क्वेश्चन को आपको, कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को समझाया जा रहा है, अगर आपको एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फॉर्मेट ये वाला आप बहुत ध्यान में रखिए, ये वाला पार्ट आप बहुत ध्यान, अगर आपको ये क्लियर है ना तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप सेल्स को आप दो में डिवाइड करिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रहेगा तो वो माइनस करके आप कर सकते, सही है सर, ऑल राइट। सो थोड़े से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी अपन ले लेते हैं, ओके। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आप जरा देखिए, दिस इज योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 3.28, द टोटल सेल्स ऑल क्रेडिट ऑफ द फर्म इज 6,40,000, इट हैज ए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 15%, करंट रेशो 2.5, the firm current liabilities 96,000, inventories 48,000, cash 16,000, determine the average inventory to be carried by the firm if an inventory turnover rate 5 times is expected। देखो सबसे पहले आप गिवन करके आपने लिख लिया, दिस इज सेल्स यू डिवाइड इन टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। व्हाट इज द सेल्स इज 6,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट 15% ऑफ 640 इज 96,000, सो 85% ऑफ 640
85% is 5,44,000. ओके, इज दिस क्लियर नॉट फ्रेंड्स? आपको सेल्स दे रखा है 640, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 85%, ग्रॉस मार्जिन. अब आप मुझे बताइए, ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपने को दे रखा है, इट हैज ए ग्रोथ प्रॉफिट, दिस 2.5 द कंपनी. डिटरमाइन द एवरेज इन्वेंट्री टू बी कैरिड आउट बाय द फर्म इफ एन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज. नाउ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. ये अपन को दे रखा 5 times कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है अपना 5,44,000. तो ये क्या आ जाएगा, इतनी सी आएगा आपका, आपका एवरेज इन्वेंट्री आएगा 5,44,000 डिवाइडेड बाय 5 इज 1,08,800. सही है सुना फ्रेंड्स? ये आपका क्या आ जाएगा, डिटरमाइन द एवरेज इन्वेंट्री टू बी कैरिड बाई द फर्म इफ एन इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो इज 5 times. दिस इज योर आंसर नंबर ए. सो दिस इज योर आंसर नंबर ए. सही है सुना फ्रेंड्स? इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो क्या होता है, मैं आपको एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको सारे फॉर्मूलाज याद हैं. इज ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री. आंसर ए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपन ने 544 कैलकुलेट किया, दिस इज 5 times, इट मीन्स योर एवरेज इन्वेंट्री विल बी 1,08,800. सही है सुनो फ्रेंड्स? देन यू गो फॉर दिस इज बी. डिटरमाइन द एवरेज कलेक्शन पीरियड इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज 80,000. डिटरमाइन द एवरेज कलेक्शन पीरियड इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स इज 80,000. अब देखिए आपको क्या दे रखा है फ्रेंड, इट हैज ए ग्रॉस मार्जिन 15%, करेंट रेशियो, इट मीन्स करेंट रेशियो कौन सा बोलेंगे इसको, बोलो. मैंने 3 तरह के रेशियो आपको बताए थे, वन इज ए P&L अकाउंट रेशियो व्हेन बोथ द फिगर पिक्ड अप फ्रॉम P&L अकाउंट, वन इज ए बैलेंस शीट रेशियो, इसका मतलब ये कौन सा रेशियो है, बैलेंस शीट, बिकॉज बोथ द फिगर पिक्ड अप फ्रॉम बैलेंस शीट, करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज, करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज. एंड ये अपने को दे रखा है 2.5 times अपन को दे रखा है करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज, राइट? आगे अपने को क्या दे रखा है, करेंट लाइबिलिटीज आर 96,000 है, ये 2.5 है, तो अपना करेंट एसेट्स हो जाएगा, करेंट एसेट्स विल बी 96 into 2.5 is 2,40,000. करेंट रेशियो आपका क्या आ जाएगा, इसे जो करेंट रेशियो, करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटीज 2.5, करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटीज, करेंट एसेट्स विल बी 96 का 2.5 इज 2,40,000. ओके, नाउ दिस 240 में आपको क्या क्या दे रखा है फ्रेंड्स, इट मींस 240 में द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 15%, द फर्म करेंट लाइबिलिटीज 96,000, इन्वेंट्रीज अपन को दे रखा है 48,000, देन कैश अपन को दे रखा है 16,000, इसका मतलब डेटर्स अपना आ जाएगा बैलेंसिंग एंड फिगर, इट मीन्स
240 minus 48 minus 16 is 176,000 रुपीज अपना डेटर्स का फिगर हो जाएगा. सही है सोना फ्रेंड्स. ओके सो एवरेज डेटर्स इक्वल टू आपका ओपनिंग डेटर्स. ओपनिंग डेटर्स अपन को दे रखे हैं 80,000. ओपनिंग डेटर्स अपन को दे रखे हैं 80 और क्लोजिंग है 176 एंड डिवाइडेड बाई 2. इट मीन्स 80 176 डिवाइडेड बाई 2 इज 128,000. एवरेज डेटर सबका क्या हो जाएगा 128,000. सही है सुनो. डिटरमाइन द एवरेज कलेक्शन पीरियड अपने को चाहिए. तो एवरेज डेटर्स अपना आ गया. ओके सही है सुनो फ्रेंड्स. यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताइए. ये पार्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं. ओके अब एवरेज डेटर्स हम लोग कैसे निकालते हैं. एवरेज डेटर्स इज ए सेल्स इंटू डेज. सेल्स इंटू डेज. सेल्स हमारा अपन को दे ही रखा है 6,40,000 इंटू एक्स बाई 360 एंड टोटल इज 128. सो योर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1,28,000 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 6,40,000 इज 72 डेज. एक्स इक्वल टू हो जाएगा 72 डेज. सही है सुना परफेक्टली क्लियर और नॉट. 240 में हमारा इन्वेंट्रीज हमको दे ही रखा है, कैश दे रखा है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा. डेटर्स, ये डेटर्स का कौन सा हुआ, दिस इज डेटर्स का आपका क्लोजिंग फिगर हुआ, क्लोजिंग बैलेंस. बराबर क्लोजिंग. ओपनिंग अपन को दे रखा डिवाइडेड बाय 2 एवरेज आ जाएगा. एवरेज डेटर्स होता है सेल्स इनटू डेज. 640 सेल्स है एक्स वाई. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, दिस इज योर क्वेश्चन 2 एंड पेज नंबर 3.30. ये आपका चल रहा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके चल रहे हैं. क्वेश्चन 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लिमिटेड इज एज फॉलोज. द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लिमिटेड इज एज फॉलोज. इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लैक्स, प्रेफरेंस 3 लैक्स एंड टोटल मिला के आपका क्या हो जाएगा 11 लैक्स. एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35% इज 2,70,000, डेप्रिसिएशन 60, इक्विटी डिविडेंड पेड 20%, मार्केट प्राइस पर शेयर इज 40. यू आर रिक्वायर टू कंप्यूट डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स. मैंने आपको बताया था ना डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स. बराबर कैसे निकालेंगे. इट मीन्स दिस इज योर आंसर नंबर ए. डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. डिविडेंड पर शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर. डिविडेंड अपन को क्या दे रखा है फ्रेंड्स 2,70,000. इक्विटी डिविडेंड 20 एंड मार्केट प्राइस 40 एंड दिस कम्स टू 100. इक्विटी डिविडेंड इज 20%. तो 20% ऑफ 10 रुपीज. डिविडेंड अपन को दे रखा है 20% ऑफ रुपीज 10 इज 2. सो दिस कम्स टू 5%. दिस कम्स टू 5%. आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स. DPS मार्केट प्राइस 100. DPS अपन को दे ही रखा है डायरेक्टली 20% ऑफ 10. सही है सुना.
All right. So this is your answer number A. This is your answer number A. Cover for preference and equity dividend, right? इसका मतलब प्रेफरेंस प्लस इक्विटी शेयर डिविडेंड कवरेज रेशियो. ओके, कैसे करेंगे? इट मीन्स फॉर प्रेफरेंस मीन्स आपका कितना प्रेफरेंस डिविडेंड है और आप कितना पैसा कमाते हैं, राइट? तो आपने कितना पैसा कमाया, इट मीन्स योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड. आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 2,70,000 और आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है 3,00,000 का 9%, 27,000. इट मीन्स दिस कम्स टू 10 times. सही है सर, नो फ्रेंड्स, इज दिस क्लियर? क्या बोल रहा है अपने को, प्रेफरेंस और इक्विटी कवरेज रेशियो फॉर प्रेफरेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड एंड दिस कम्स टू 10 times. नाउ यू कम टू फॉर इक्विटी. इट मीन्स योर प्रॉफिट इज 270 लेस. अब आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था, इज 27,000. ओके, तो आपके पास पैसा कितना बचा, 270 माइनस 27 इज 2,43,000 और आप इक्विटी डिविडेंड देते हैं 20% ना, इक्विटी डिविडेंड पेड 20%. ओके, इट मीन्स 2 rupees पर शेयर इनटू 80,000 शेयर्स हैं 160. इट मीन्स 243 डिवाइडेड बाय 160 इज 1.52 times. सही है सो नो फ्रेंड्स. नेक्स्ट आपसे पूछा है, इज वेरी सिंपल. इट मीन्स स्टेटमेंट शोइंग EPS, it means your profit is 270 less preference dividend is 3 lakhs into 9% is 27,000, 270 less 27 is 243 divided by 80,000 number of shares is 80 is this comes to 243 divided by 80,000 is 3.04. Say yes or no friends. Statement showing profit आपका EPS प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स आपका क्या आ जाएगा, यस. सॉल्यूशन आपको दे ही रखा है तो कुछ अब आपका लास्ट आ जाता है. दिस इज योर आंसर डी इज पीई रेशियो मीन्स पी डिवाइडेड बाई EPS. EPS is 3.04 और मार्केट प्राइस आपका है 40 rupees. इट मीन्स 40 डिवाइडेड बाई 3.04 इज 13.15 times. सही है, परफेक्टली क्लियर. ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अच्छे अच्छे लग रहे हैं वो मैं आपको प्रॉपरली करा देता हूँ, राइट फ्रेंड्स.
बोलिए यस और नो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऊपर है राइट फ्रेंड्स। अब आप देख लीजिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 3.40। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 3.40। यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट। लॉन्ग टर्म डेब्ट टू नेट वर्थ है 0.5, टोटल एसेट्स टर्नओवर 2.5, एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर 9, ग्रॉस मार्जिन 10%, एसेट टेस्ट रेशियो 1। एज्यूम 360 डेज ईयर, ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले आप नोट नंबर 1 से अपन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। दिस इज गिवन लॉन्ग टर्म टू नेटवर्थ, इट मीन्स आपका ये नेटवर्थ है इक्वल टू 1, तो लॉन्ग टर्म आपका है 0.5। यस और नो, ओके। लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय, इट मीन्स योर लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय एक आपका हो जाएगा कॉमन स्टॉक रिटेन्ड अर्निंग ओके, ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, नेटवर्थ, राइट, ओके। सो ये 0.5 है और ये 1 है। आर यू फॉलोइंग ऑन फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म डेब्ट, कॉमन स्टॉक, रिटेन्ड अर्निंग, बैलेंस शीट में दो ही दे रखा है ना, ओके। ये अब यहां पे अगर अपन सॉल्व करें इसको, इट्स 0.5 एंड 1। सो कॉमन स्टॉक आपका कितना है, गिवन है बैलेंस शीट में 1 लाख, ये आपका है 1 लाख, मिलके क्या हो गया 2 लाख, ये आपका क्या आ जाएगा 1 लाख। आपका जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है, लॉन्ग टर्म डेब्ट आपका क्या आ जाएगा बोलो, लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्वल टू रुपीज क्या आ जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म डेब्ट आपका क्या आ जाएगा बोलिए, इज सही है सर, आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट आपका क्या आ जाएगा, इज 1 लाख रुपीज, ओके। इसका मतलब आपका लायबिलिटी साइड अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कैसे, इट मींस आपका टोटल लाइबिलिटीज विल बी, इट मीन्स एक आपका नोट्स एंड पेएबल्स हैं आपको, दूसरा लॉन्ग टर्म डेब्ट है आपका, तीसरा कॉमन स्टॉक है आपका, एंड रिटेन्ड अर्निंग, 1 लाख, दिस इज गिवन।
common stock 1 lakh, this is given. Retained earning 1 lakh, and notes payable 1 lakh, this is given. और लॉन्ग टर्म अपन ने 1 लाख निकाला था इन नोट नंबर 1 में. अभी अपन ने निकाला था नोट नंबर 1 में, ये नोट नंबर 1 में अपन ने निकाला प्रीवियस पेज पे, नोट नंबर 1 में 1 लाख रुपीस. से या सुनो, सो द टोटल आपका लाइब्रेटीज का टोटल हो जाएगा रुपीस से 4 लाख. लॉन्ग टर्म डेब्ट टोटल एसेट्स टर्नओवर, इट मींस अब अपने को बोल रहे हैं टोटल एसेट्स टर्नओवर, इसका मतलब योर टोटल एसेट्स टर्नओवर इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाई एसेट्स, सेल्स डिवाइडेड बाई एसेट्स, दिस कम्स टू 2.5. और एसेट्स का टोटल, क्योंकि लाइबिलिटी का 4 लाख है तो एसेट्स का टोटल भी क्या हो जाएगा 4, एंड दिस कम्स टू 10 लाख. 10 लाख रुपीज आपका क्या हो जाएगा टोटल एसेट्स टर्नओवर. ऑलराइट, देन सेल्स 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑफ 10 lakhs is 1 lakh, and 90% of 10 lakhs is 9 lakhs. All right. Now average collection debtors period is 18 days. It means debtors equal to हमारा हो जाएगा what is the sales 10 lakhs into 18 days divided by 360. It means your 10 lakhs into 18 by 360 is say 50,000. सही है सुनो फ्रेंड्स, ये आपको सेल्स, सेल्स हम लोगों ने कैसे निकाला फ्रेंड्स, ये सेल्स निकाल दिया हम लोगों ने. टोटल एसेट्स टर्नओवर 2.5, एसेट्स टर्नओवर होता है सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स. एसेट्स हमारे पास 4 लाख का है, 4 लाख का 2.5 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा 10 लाख. 4 लाख का 2.5 आपका क्या हो जाएगा बोलो 10 लाख. ठीक है, ये सेल्स आपका 10 लाख हो गया. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90%, 9 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट 10%. डेटर्स आपका हो जाएगा 10 लाख, 18 by 360 इज 50,000. आगे क्या बोल रहे हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इट मींस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू COGS divided by inventory. बराबर, COGS अपने को 9 लाख दे रखा है और inventory turnover इस दे रखा है 9 times. It means stock हमारा क्या हो जाएगा 1 lakh.
सही है सुनो फ्रेंड्स, स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा 1 लाख। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री 9 times 9 एंड दिस इज 1 लाख। उसके बाद आपका आता है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो इट मींस कैश प्लस डेटर्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 1/1। ओके, करंट लायबिलिटीज हमारे पास है 1 लाख, दिस इज 1/1। डेटर्स अपने पास है 50,000, ये अपना आ जाएगा। कैश इक्वल टू आ जाएगा 50,000, कैश प्लस डेटर्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स, ये आपका टोटल एसेट्स इज 4 लाख। उसमें से क्या क्या है, कैश डेटर्स प्लांट एंड मशीनरी इन्वेंट्री। कैश 50,000, डेटर्स 50,000, इन्वेंट्री 1 लाख एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी योर, बैलेंसिंग फिगर विल बी योर 1 लाख रुपीज। सही है सुनो, बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो जाएगा 1 लाख। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये अपना क्या हो जाएगा, टोटल अपना एसेट्स था 4 लाख रुपीज, कैश हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ओके, इन्वेंट्री हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, डेटर्स, और ये बैलेंस हमारा ये हो जाएगा, और इसके बेस पे हम लोग बना देंगे फाइनल आंसर। एंड दिस इज योर बैलेंस शीट है। ऑल राइट फ्रेंड्स, नाउ लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। कैश 50,000, डेटर्स 50,000, इन्वेंट्री 1 लाख, दिस इज एसेट साइड। एंड लायबिलिटी साइड, प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 लाख, नोट्स पेबल 1 लाख, लॉन्ग टर्म डेब्ट 1 लाख, कॉमन स्टॉक 1 लाख, रिटेन्ड अर्निंग 1 लाख एंड टोटल 4 लाख एंड 4 लाख। दैट इज एंड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 5। एकदम सिंपल है, अगर आप फॉर्मूलाइज को बहुत अच्छे से देख लेते हो इसमें क्या है, और एप्लीकेशन में जैसे मैंने बताया ना कि आप इस तरह से ही अपना करिए करके ना, सेल्स का हमेशा ये वाला फॉर्मेट आप याद रखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के ये पार्ट, ये ग्राफिकल जो है ना वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल जो पार्ट है ना अपना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने को, ग्राफिकल पार्ट ना। अब आप आ जाइए इसी में, जस्ट यू सी योर क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 3.43। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
Following information has been provided from the books of Lakshmi Private Limited for the year ending 31st March 2021. Net working capital 4,80,000, bank OD 80,000, fixed assets to proprietary 0.75, reserve and surplus 320, current ratio 2.5, liquid ratio 1.5. You are required to prepare the summarized balance sheet as at 31st March 21, assuming that there is no long term debt. ठीक है, अब देखो आपका क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मैंने कितनी बार आपको बताया, वर्किंग कैपिटल आपका होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आपका क्या होगा, दिस इज योर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. क्या बोल रहा है, नेट वर्किंग कैपिटल इज 4,80,000. ओके, नेट वर्किंग कैपिटल इज 4,80,000. ओके, एंड करंट रेशियो है आपका, इट मींस करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इज 2.5, ये 1 तो ये 2.5, ये 1, ये 2.5, ये 1.5. इसका मतलब आपका करेंट एसेट्स हो जाएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 2.5, इट मींस ऑलराइट, इट मींस आपका करेंट एसेट्स हो जाएगा 4,80,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5 एंड दिस कम्स टू 8 lakhs. ओके, एंड योर करेंट लाइबिलिटीज विल बी 4,80,000 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1, 480 डिवाइडेड बाई 1.5 एंड दिस कम्स टू 3,20,000. दिस पार्ट इज क्लियर और नॉट. वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कितना है, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज 480, 1.5 करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज 2.5 करंट एसेट्स 480, 1.5, 2.5 इज 8 lakhs and current liabilities 2, 1 is 320. Say yes or no, friends. Okay. So ये आपका proper हो गया. It means जो current assets. So working capital is 4,80,000, करेंट एसेट्स हो गया आपका, करेंट लाइबिलिटीज हो गई आपके. नाउ आपका लिक्विड रेशियो है, नेक्स्ट आपको दे रखा है लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो, इट मींस करेंट एसेट्स स्टॉक करंट लाइबिलिटीज. करंट एसेट्स कितना है अपने पास, 8 lakhs माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज अपने पास है, करंट लाइबिलिटीज अपना था 3,20,000, दिस कम्स टू लिक्विड इज 1.5. So 320 into 1.5, 8 lakhs and stock, and then stock equal to 320, 1.5 minus 800 is 3,20,000. आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, 3,20,000.
Say yes or no, friends. ₹3,20,000. Now, अभी आपको क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, लिक्विड एसेट्स हो गया अपना, करेंट स्टॉक हो गया अपना, सो टोटल स्टॉक 320 का स्टॉक हो गया अपना, ओके. नाउ व्हाट आर दे आस्किंग, रिजर्व एंड सरप्लस 320, करेंट रेशियो 2.5, लिक्विड रेशियो 1.5, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड, इट मीन्स नाउ दिस इज गिवन, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी रेशियो, बराबर, फिक्स एसेट्स, दिस इज प्रोप्राइटरी फंड इज 0.75/1, और प्रोप्राइटरी फंड इक्वल टू होगा अपना फिक्स एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो कुछ है ही नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं है. तो प्रोप्राइटरी फंड इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस 4,80,000, ओके. सो नाउ प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल, अगर ये 0.75 है, ये 0.25 है, 0.25 इज 4,80,000, सो दिस इज 480 डिवाइडेड बाय 0.25 इज 19,20,000. 480 divided by 0.25. Yes, sir. Okay, so 1920 less 480 is 1920 less 480 is 14,40,000. ये क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स, बोलो क्या दे रखा है, फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटरी फंड, फिक्स एसेट्स प्रोप्राइटरी 0.75, प्रोप्राइटरी फंड क्या होगा, फिक्स एसेट्स नेट वर्किंग कैपिटल, वही तो है, लॉन्ग टर्म डेप तो अपने पास कुछ है नहीं, बराबर. तो आपका प्रोप्राइटरी फंड फिक्स एसेट्स एंड 480, प्रोप्राइटरी फंड इज दिस वर्किंग कैपिटल, तो आपका फिक्स एसेट्स हो जाएगा दिस. सही है सुनो फ्रेंड्स, ऑलराइट. अब प्रोप्राइटरी फंड आपका कितना हो गया, इट मीन्स ये आपका प्रोप्राइटरी फंड हो गया 19,20,000. उसके दो पार्ट, एक तो कैपिटल और एक आपका रिजर्व एंड सरप्लस. तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना दे रखा है अपने को, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 320, इट मीन्स 1920 लेस 320 इज 16 लैक्स, और इसके बाद अपना बन जाएगा दिस इज 31st 3 2021. क्या क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट्स आपका आ गया था 14,40,000, इन्वेंट्रीज आ गया था 320, अदर करेंट एसेट्स 480, कैपिटल 16 लैक्स, रिजर्व एंड सरप्लस 320,
बैंक ओडी एटी क्रेडिटर्स 240 इट मीन्स 1440 320 प्लस 480 इज 2240 इज 2240 सही है सर बोलो ऑलराइट नाउ इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड पेज नंबर 3.35 वेरी वेरी गुड क्वेश्चन ना रिवर्स क्वेश्चन है गणपति लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग रेशियोज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडिंग 31st March 2021 सेल्स है रिटर्न ऑन नेटवर्थ है रेट ऑफ इनकम टैक्स है शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स करंट रेशियो है अपने को नेट प्रॉफिट टू सेल्स अपने को दे रखा है 6.25 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिसीवेबल्स एंड पेबल्स नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एज ऑन 31st March इन द फॉलोइंग फॉर्मेट जो फॉर्मेट आपको दे रखा है फ्रेंड्स उसमें आपको बनाना है मैंने आपको क्या बताया कि सेल्स के लिए कभी भी आपका सेल्स रहेगा तो सेल्स के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मेट दिया है आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपको देखो हमारा मेरा पढ़ाने का मेरा FM पढ़ाने का मीनिंग क्या था कि काजल जैन ने मेरे को बोला था कि सर आप अपने फॉर्मेट में हमें सिखाइए बराबर दुनिया का कोई भी सम रहने दो इस फॉर्मेट में आप डाल दीजिए कैसे जैसे पहला है सेल्स सेल्स यू डिवाइड इन टू दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट दिस इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिस इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिस इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये टैक्स ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसके बाहर आपको सोचने की जरूरत नहीं है कोई भी क्वेश्चन है मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए सारे क्वेश्चन को आप सेम फॉर्मेट में डाल दीजिए आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है मतलब सब कुछ आपका यही फॉर्मेट में आ जाएगा राइट क्या बोल रहा है फ्रेंड्स अपने को बोल रहा है रुपीज 60 लैक्स का सेल्स उसके बाद अपने को बोल रहा है नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स 6.25% इसका मतलब 6.25% ऑफ 60 लैक्स विल बी 60 लैक्स का 6.25% इज 3,75,000 ओके और अपने को बोल रहा है कि अपने को टैक्स रेट है 50% इसका मतलब 50% तो ये कितना बचा अपना 50% सही है सो नो फ्रेंड्स अगर 375 50% है इसका मतलब ये भी क्या होगा 375 सो 375 + 375 = 7,50,000 ये फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट है हर क्वेश्चन में मैं आपको क्या दूंगा हर क्वेश्चन में मैं आपको दूंगा सेट फॉर्मेट हर क्वेश्चन में मैं आपको क्या दूंगा एक सेट फॉर्मेट सही है सो नो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा एक सेट फॉर्मेट इट मीन 7,50,000 हो गया आपका ओके ऑल राइट अब आप आ जाइए इंटरेस्ट कॉस्ट है आपको 60,000 इंटरेस्ट कॉस्ट 60 इट मीन 60 + 750 विल बी 60 + 750 विल बी 8,10,000 ऑल राइट 8,10,000 आपका हो गया ओके
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे ही रखा है, दिस इज 18 लैक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, बराबर। इट मीन 60 माइनस 18 इज 42 एंड यस बैलेंसिंग फिगर विल बी माइनस 8.10 इज 33 लैक्स। सही है सर, आपको सेल्स दे रखा था और मैंने स्टार्ट कहा कि फॉर्मेट आपको यही रखना है हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट क्या रखना है, फॉर्मेट आपको ये रखना है 60 लैक्स और आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 50% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इट मीन्स 6.25 ऑफ 60 लैक्स 375, ये 50% है क्योंकि टैक्स रेट 50% है, 375 मिलके ये हो जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट है आपका ये आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा बैलेंस, क्योंकि ये दे रखा था ये आ गया और ये आपका आ गया बैलेंस। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से देखना है। तो ये फॉर्मेट आपको यहाँ से एग्जामिनर को पता चलेगा कि यू आर फ्रॉम दानिकी कॉस्टिंग, राइट। अपनी वाइफ को फोन करेगा, बोलेगा आई वॉन्टेड टू गिव यू ट्रीट टूडे, वाइफ बोलेगी वाई वॉट हैपन, बोले आई हैव सीन द सोल्यूशन ऑफ रेशियो एनालिसिस सोल्यूशन ऑफ प्रोफेसर दानी करके ना। तो प्लीज फ्रेंड्स, आपका ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये फॉर्मेट में आपको जाना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए आगे, आपको क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इट मींस नेक्स्ट इज योर रिटर्न ऑन नेटवर्थ, इट मींस दिस इज योर रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है आपका 25%, 25%। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपका 375, तो व्हाट विल बी योर नेटवर्थ, योर नेटवर्थ विल बी 375 into 100 divided by 25 is 15 lakhs. आपका नेटवर्थ क्या हो जाएगा, इज ए 15 lakhs. इट मीन्स आपका टोटल नेटवर्थ क्या हो जाएगा, नेटवर्थ आपका हो जाएगा 15 lakhs. सही है सोनो फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, नाउ नेटवर्थ यू डिवाइड इन टू, दिस इज योर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 7:3, इट मीन्स डिवाइडेड बाई 10 × 7 इज 1050 एंड लेस 15 लैक्स इज 450। सही है सुना, ये आपका क्या हो गया, बोलो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज ए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, इट मींस 25% 375 नेटवर्थ 15 लैक्स एंड इन द रेशियो ऑफ शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नेटवर्थ आपका हो गया। देन अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, आगे आपको क्या बोल रहा है, डिवेंचर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 15% इक्वल टू डिवेंचर का अमाउंट आ जाएगा, व्हाट योर डिवेंचर इंटरेस्ट इज 16,000 × 15%, इट मींस 60,000 divided by 0.15 and this comes to 4 lakhs. 4 lakhs rupees आपका क्या हो जाएगा friends? This. Now, आपको दे रखा है current assets upon current liabilities equal to your
करेंट रेशियो, करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटीज, पेबल्स आपके 2 लैक्स हैं और आपका करेंट रेशियो है 2 टाइम्स, इट मींस करेंट एसेट्स हो जाएगा 4 लैक्स। सही है सोना फ्रेंड्स, आपका करेंट एसेट्स हो जाएगा 4 लैक्स। परफेक्टली क्लियर ऑन आवर फ्रेंड्स, बोलो। ये आपको डिवेंचर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 15% डिवेंचर आ जाएंगे, ओके। करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज, करेंट रेशियो एंड दिस इज परफेक्टली क्लियर ऑन आवर, ओके ओके। अब आप आ जाइए, अगर अपन लायबिलिटीज साइड का टोटल देखें, लायबिलिटीज में आपको शेयर कैपिटल आपका था इज 10,50,000, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ओके। देन रिजर्व एंड सरप्लस आपके हैं 450, तभी तो मिलके 15 लैक्स का नेटवर्थ हुआ था ना, 15 लैक्स दिस इज योर नेट वर्थ। देन डिवेंचर इज 4 लैक्स एंड योर पेएबल्स इज 2 लैक्स इज 21 लैक्स। सही है सुनो। देन करेंट एसेट्स एंड दिस इज योर फिक्स एसेट्स, क्योंकि अगर इसका टोटल 21 लैक्स है, 21 लैक्स है, करेंट एसेट्स हमारे पास 4 लैक्स है, तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 17 लैक्स। बोलो यस। परफेक्टली क्लियर ना। करेंट एसेट्स में आपके पास आपको दे रखा है स्टॉक इज 1,50,000, बोलो। रिसीवेबल इज 2 लैक्स आपको दे रखे हैं, ओके। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब स्टॉक के लिए आप आ जाइए, स्टॉक के लिए आप क्या देखेंगे वो देख लीजिए पहले। रिसीवेबल्स आपको दे रखा है 2 लैक्स रुपीज, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब आपको स्टॉक चाहिए और बाकी का बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो जाएगा, कैश, ये आपका कैश बैलेंस हो जाएगा, ओके। अब स्टॉक में आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट मींस इन्वेंट्री टर्नओवर इज COGS डिवाइडेड बाय स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर अपने को क्या दे रखा है फ्रेंड्स, इन्वेंट्री टर्नओवर आपको दे रखा है इज 12, ओके। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा है 18 लैक्स, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,50,000, इट मीन्स 1,50,000, ओके। सो 400 माइनस 200 माइनस 150 इज 50,000, ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर इज ए बैंक बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर विल बी योर बैंक बैलेंस। सही है सुनो। ऑलराइट, कैश बैलेंस। और अब आप आ जाइए, यू प्रिपेयर द
सही है सर। क्या पूछा है अपने से? ए कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द, तो आपका आंसर नंबर ए हम लोगों ने निकाला था। आंसर नंबर ए इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज 33,90,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका क्या हो जाएगा? 33,90,000। ओके एंड देन आंसर बी इज योर बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, 15% डिवेंचर, पेएबल्स, फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, रिसीवेबल एंड कैश। देखिए जरा क्या क्या आपने को दे रखा। शेयर कैपिटल 1050, 450, दिस इज 10,50,000, दिस इज 4,50,000, देन 4,00,000 एंड 2,00,000, 4,00,000 एंड 2,00,000, देन स्टॉक 150, स्टॉक 150, देन रिसीवेबल 2,00,000, कैश 50,000, 2,00,000 एंड 50,000 एंड दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। 1050 प्लस 450 प्लस 400 प्लस 200 इज 21,00,000। 21,00,000 माइनस 150 माइनस 200 माइनस 50 इज 17,00,000। सही है सुनो। तो आपको ये जो फॉर्मेट है ना मेरा जो सबसे जो बेस्ट पार्ट है, इट्स माय फॉर्मेट। अगर आपको ये फॉर्मेट क्लियर है तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। ये आईसीआई मॉड्यूल से मैं आपके सारे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ओके। और अगर उसमें अगर आप करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ओके। तो ये क्वेश्चन आप इसी फॉर्मेट में करिए। अगर इसी फॉर्मेट में जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मिसिंग फिगर का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गणपति लिमिटेड वाला। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है आप मुझे व्हाट्सअप करिए, राइट, मॉड्यूल चाहिए एफएम का, मैं आपको दे देता हूं। ओके थैंक यू। ये थोड़े एमसीक्यूज भी अपन देख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 3.25 से। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ नेट सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल इज, तो आपका आंसर रहेगा डी, ओके। क्यों? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो उसको बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो उसको बोलते हैं, ओके। देन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इंडिकेटेड बाय, तो लॉन्ग टर्म जो इंसॉल्वेंसी है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इंडिकेटर होता है डेप्ट इक्विटी रेशियो से इंडिकेट होता है। इट मींस आपका टू का हो जाएगा आंसर ए, वन का आंसर डी एंड टू का आंसर ए। थ्री, क्वेश्चन थ्री क्या बोल रहे हैं? रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेल्स इज ए ऑपरेट, रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर, देखो मैंने आपको क्या बताया था, दिस इज सेल्स डिवाइडेड टू, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन, दिस इज योर ग्रॉस
profit, gross profit, then your operating expense, this is your operating income, this is your interest, this is your profit before tax. अब क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपका टैक्स, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो इंटरेस्ट और टैक्स को छोड़कर जो प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ये आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. एंड आंसर नंबर सी, ऑब्जर्विंग चेंजेस इन द फाइनेंशियल वेरिएबल अक्रॉस द ईयर इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. ये तो इज वेरी सिंपल, दिस विल बी योर 4 का बी हॉरिजॉन्टल आपका हो जाएगा. देन द रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हेल्प इन मैनेजमेंट टू, 5 का वो किस में हेल्प करता है, टू मैनेजिंग द वर्किंग कैपिटल. 5 का डी, दिस इज मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल. उसके बाद आप आ जाइए फ्रेंड्स, 6 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विडिटी रेशियो. इक्विटी रेशियो नहीं है, प्रोप्राइटरी रेशियो नहीं है, कैपिटल गियरिंग, नेटवर्किंग कैपिटल. 6 का सी नेटवर्किंग कैपिटल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं है. आंसर 7 का डी, प्रीपेड एक्सपेंस. देन आगे आ जाइए हम, 8 कैपिटल गियरिंग रेशियो इज द फ्रैक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड ए. दिस इज योर आंसर 7 का ए. इट मींस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है. देन कैपिटल गियरिंग रेशियो इज द फ्रैक्शन ऑफ, ये आपका 8 का ए हो गया. दिस इज योर आंसर 8 का ए. आंसर 8 का ए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड दिस कैपिटल गियरिंग रेशियो. इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गियरिंग रेशियो. से यस ऑर नो फ्रेंड्स. Then from the following information calculate the P ratio. It means what is P ratio? P/E ratio, it means market price divided by EPS. Okay. अब EPS आपका है profit है आपका 2,67,000 less preference dividend, it means 3,00,000 का 9% 27,000. So 267 less 27 is 240 divided by 80,000 number of shares आपका EPS आ जाएगा 3 रुपीस. मार्केट प्राइस 48 डिवाइडेड बाई 3 इज 16. सो योर आंसर नंबर बी इज ए पी रेशो. से यस ऑर नो फ्रेंड्स. फिर अपने को पूछ रहा है इक्विटी मल्टीप्लायर्स अलाउ द इन्वेस्टर, दिस इज 10. इक्विटी मल्टीप्लायर्स अलाउ द इन्वेस्टर टू सी वॉट पोर्शन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ रिजल्ट ऑफ डेप्ट. इट मीन्स 10 का सी हो जाएगा. देखो आपको ज्यादा देखना चाहिए, ये MCQs में आपको ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए वनस्पति के मेरे. ओके, इक्विटी मल्टीप्लायर्स अलाउ द इन्वेस्टर टू सी, दिस इज योर 10 का सी हो जाएगा आपका. देन आगे बोल रहा है 11. ए कंपनी हैज एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल 10 लैक्स एंड एनुअल क्रेडिट सेल्स 60 लैक्स.
its average collection period will be, it means this is your 11, 60 lakhs into x by 365. A company has a average account receivable of 10 lakhs. ये आपका, इसको बोलते हैं debtors collection period. Okay, 60 lakhs x by 365 is 10 lakhs. So 10 lakhs into 365 divided by 60 lakhs, and this comes to 60.83 days. A company has a net profit margin 5% and total assets 90 lakhs, and the return on assets is very simple. Its total assets turnover ratio is 1.8. This is your 12 ka C. Then apne ko puch raha hai friends 13 ka, what is Q ratio measure? Market value of equity as well as the debt in comparison to all assets at their replacement. It means 13 ka D. Okay, 14 mein kya bol raha hai friends? Calculate operating expense from the information given. Operating expenses, देखो very important ना, 14 मैंने आपको क्या बताया था, सेल्स, यही फॉर्मेट आपको बराबर से ध्यान देना है, यही फॉर्मेट, दिस इज COGS, ये ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेल्स 75 लाख, इनकम टैक्स रेट 50%, नेट प्रॉफिट टू सेल्स 5% ऑफ 75 लाख, इट मींस 75 लाख का 5% इज 375, ये भी आपका क्या आ जाएगा 375 plus 375 is 750, इंटरेस्ट 60 plus 60,000 is 8 lakh 10, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3290, इट मीन्स 75 लाख माइनस 3290 is 4210 minus 810 is 34 lakhs. ऑपरेटिंग एक्सपेंस विल बी बैलेंसिंग. ये मेरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इज माय दिस चार्ट, सेल्स इज डिवाइड इनटू ये आपका ये आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, which of the following is not a profitability ratio, is answer 15 ka D. तो मेन आपको मतलब MCQs में मेन आपको आपको ही खुद मेहनत करनी है, क्योंकि आप करोगे तो आपको थोड़ा रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा एमसीक्यूज, राइट. मैंने तो फटाफट आपको बता दिए करके, ताकि आपका कम से कम टाइम में वीडियो बन जाए करके ना, और जो जहाँ पे मेरी ज़रूरत थी मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मेट में, ये जहाँ जहाँ फॉर्मेट की ज़रूरत थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ओके, थैंक यू.